अच्छा हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज रहेगा। इस चैप्टर को आप 8th क्लास के अंदर भी पढ़ के आए हैं, आधा पढ़ के आए, आप क्रॉप्स तक तो पढ़ के आए हैं, बट एनिमल आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि हम यहाँ पे फूड रिसोर्सेज रिसोर्सेज मतलब जो चीज़ें हमें मिल रही है जरूरत की, उसे हम क्या कहेंगे, रिसोर्स, ठीक है। और फूड मतलब जो हमें फूड रिसोर्सेज है, जो हमें फूड के लिए रिसोर्स है, उन्हें क्या नाम दे रहे हैं, फूड रिसोर्सेज, मतलब जिनसे हम क्या ऑप्टेन करेंगे, फूड ऑप्टेन करेंगे, फ्रॉम विच वी ऑप्टेन द फूड, फ्रॉम विच वी ऑप्टेन द फूड, जहाँ से फूड को ऑप्टेन करेंगे वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी, फूड रिसोर्सेज। अगर हम कॉमनली बात करेंगे तो एक हम कहाँ से ऑप्टेंट कर रहे हैं, प्लांट से, और एक हम कहाँ से ऑप्टेंट करेंगे, एनिमल से ऑप्टेंट करेंगे। तो आप प्लांट्स के बारे में तो आप पढ़ के आ चुके हो, बल्कि आप यहाँ पे तो प्लांट्स के अंदर ये भी पढ़ के आए हैं कि प्लांट्स होंगे क्या, मतलब इसके अंदर हम क्रॉप्स के बारे में, क्योंकि हम मोस्टली क्या कर रहे हैं, प्लांट्स का कौन सा हिस्सा खाते हैं, क्रॉप्स खाएंगे, तो हम क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है बेटा। फिर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि क्रॉप की वैरायटी किस तरह से बनाएंगे, उसके बाद उसकी प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करेंगे, और फिर हम उसका मैनेजमेंट पढ़ेंगे, प्रोडक्शन मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो ये हमारे साथ में क्या आती है बेटा, इसके अंदर क्रॉप्स के बारे में, आप 8th क्लास के अंदर क्रॉप कैसे उगाएंगे, आप हार्वेस्ट किस तरह से करेंगे, कि ये विनोइंग वगैरह अपने ये सारे प्रोसेस पढ़ के आए हैं, बट हम यहाँ पे आगे की थोड़ी प्रोसेस पढ़ेंगे, और ये आप शायद वहाँ पे भी पढ़ के आए हुए हो कि क्रॉप का मैनेजमेंट, आपने प्रोडक्शन भी पढ़ रखा होगा, वहाँ वीड्स पढ़ रखा होगा, फर्टिलाइजर्स पढ़ रखा होगा, ठीक है, आपने एग्रीकल्चर के मैथड्स पढ़ रखे होंगे, इरीगेशन मैथड्स पढ़ रखे हैं, तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप्स, ठीक है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट बढ़ेगा, एक सेकेंड हम क्या पढ़ते हैं, इम्प्रूवमेंट इन एनिमल्स, इसी अंदर ही हम क्या नाम दे देते हैं बेटा, हस्बेंड्री नाम देंगे, एनिमल हस्बेंड्री नाम देते हैं, क्या नाम दे देते हैं हम, एनिमल हस्बेंड्री कह देंगे, क्या कह देंगे, एनिमल हस्बेंड्री कह देंगे, और इसे हम क्या नाम दे देते हैं, फार्मिंग नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देंगे, फार्मिंग, जहाँ पर हम कल्टीवेट करेंगे क्रॉप्स का, उसका ध्यान रखेंगे, वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी, फार्मिंग कहलाई जाएगी। और एनिमल हस्बेंड्री में जहाँ एनिमल्स का हम ध्यान रखते हैं, उसको रिप्रोड्यूस भी करवाते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी, एनिमल हस्बेंड्री। और जब दोनों एक साथ की जाती है, उसे हम क्या नाम देते हैं, एग्रीकल्चर नाम देंगे, क्या नाम देंगे उसे हम, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होती है, इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। फार्मिंग मतलब जब हम क्रॉप्स के इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करेंगे, और एनिमल हस्बेंड्री का मतलब किसके बारे में बात करेंगे, इम्प्रूवमेंट और इन एनिमल्स, एनिमल्स की वैरायटी कैसे बनाएंगे हम, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट क्या मिल सके, फूड मिल सके। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन यही आता है कि हमें इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी है। इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है ना, सुधार करना होगा। इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, सुधार करना होता है। हमारे पास में सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आता है कि वाई वी नीड इम्प्रूवमेंट, हमें फूड रिसोर्सेज के इम्प्रूवमेंट की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी है, हमारे पास इतनी ज़्यादा चीज़ें, ज़मीन है, फिर भी हमें क्यों इम्प्रूवमेंट पड़ी है। इस इम्प्रूवमेंट का सिर्फ और सिर्फ यही है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है, क्या बेटा, जो पॉपुलेशन है वो डे बाई डे इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है बेटा, डे बाई डे इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल भी अपने देख लो, यहाँ पे अपना पहले एक स्कूल है, लेकिन 4 साल पहले यहाँ पे स्कूल नहीं था, यहाँ पे क्या था, खेती बाड़ी थी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है, लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, लोगों को पढ़ने के लिए स्कूल्स चाहिए, अलग अलग चीज़ें चाहिए, तो उन सब के लिए क्या करता है, एग्रीकल्चर लैंड का यूज़ कर रहा है। किसका यूज़ कर रहा है, एग्रीकल्चर लैंड। दिल्ली को देखना आप, दिल्ली को देखना, जहाँ पहले आप 1960 के अराउंड, 1950-60 के अराउंड आप वहाँ पे देखना बेटा, पूरी ग्रीनरी थी वहाँ पे, बट आज की तारीख में आप अगर आप वहाँ पे देख रहे हो, तो आपको ग्रीनरी नहीं मिल रही है उसके आसपास में। सड़कों के किनारे में सबसे प्लान लगाए गए, बट वहाँ पे पहले खाली जमीन थी, बट डे बाई डे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखो, नहीं तो हमारे तो एक ही स्टोरी, दो स्टोरी हम घर बना लेते थे अपने खुद के लिए, बट आज क्या है, 100-100 मंजिल की बिल्डिंग बन रही है ताकि वहाँ पे लोग रह सके। तो पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण, ठीक है, उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड को यूज़ करना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर लैंड को यूज़ करना शुरू कर दिया, भाई खाने के लिए तो चीज़ें चाहिएंगी चाहिएंगी। अब उस थोड़ी सी जगह पर हमें अच्छी से अच्छी चीज़
को ग्रो करना है वही चीज क्या कहलाई जाएगी, इम्प्रूवमेंट। क्या कहलाई जाएगी? इम्प्रूवमेंट। पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उनकी जो डिमांड है, उनकी जो डिमांड्स है वो भी क्या हो रही है बेटा, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। उनकी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए हमें इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी है। किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी है बेटा? यहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी है। और ये मैं पूरे आपको एनसीईआरटी की बात बता रही हूँ, फर्स्ट पेज पे एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है यहाँ पे इसके। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट में, तो 1960 से लेकर 2010 तक की अगर हम बात करेंगे, हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर में इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर दिया है कि यहाँ से हमारे जो क्रॉप की वेराइटी है या क्रॉप का प्रोडक्शन, वो 4 times इंक्रीज हो गए। कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया है? 4 times, 4 गुना बढ़ गया है। ठीक है, आजकल हम गेहूँ लेके आते हैं सरबती सोनारा, वो इम्प्रूव्ड वेराइटी, हम चावल खा रहे हैं अलग अलग तरह के, वो सब क्या बेटा, इम्प्रूव्ड वेराइटी है। हमने इम्प्रूव किया है, हमने क्या किया है उसको इम्प्रूव किया है, ताकि हमारे हर लोगों को, सबको इक्वल अमाउंट के अंदर ये सारी चीजें मिल सके। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे बेटा? इम्प्रूवमेंट पढ़ेंगे क्रॉप्स के बारे में। सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर क्रॉप्स, होते क्या है क्रॉप्स? आप 8th क्लास के अंदर इसकी डेफिनेशन पढ़ के आए हैं। डिफाइन द क्रॉप्स। देखो कोई भी चीज को रटना नहीं है। हम क्या कहते हैं, व्हीट को हम क्रॉप का नाम दे रहे हैं, हमने राइस को एक क्रॉप का है काया का नहीं है, हम ग्राउंडनट को एक क्रॉप कह रहे हैं, सोयाबीन है, दाल है, उनको हम सबको क्या कह रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं, बोलो क्रॉप्स कह रहे हैं। तो क्या आप इस क्रॉप को थोड़ी जगह पे ग्रो कर रहे हो? नहीं कर, मैं आपने की छोटा सा एक रूम जितना एरिया लिया उस पर क्रॉप को ग्रो करवा दिया, ऐसा नहीं करते। और उसके अंदर भी हम क्या क्रॉप्स है क्या, आप वीट को ग्रो किया तो हमने एक लार्ज स्केल के ऊपर ग्रो किया है, और वीट के सारे प्लांट क्या हो गए बेटा, सेम हो गए। क्या हो गए? सेम। तो हम क्या कहेंगे, ग्रोइंग ऑफ सेम प्लांट, एक ही जैसे प्लांट को ग्रो करना ऑन अ लार्ज स्केल, वही चीज क्या कहलाई जाती है, क्रॉप्स कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी? क्रॉप्स। ग्रोइंग ऑफ द सेम टाइप ऑफ द प्लांट, ये नहीं कि हमारे पास ये फील्ड हो गया है या हमने दो दाने वीट के कर दिए, दो ऐसे कर दिए, ऐसे नहीं होगा। इस फील्ड के अंदर हम ऑलमोस्ट क्या करते हैं, एक जैसे ही प्लांट को ग्रो करेंगे, ऑन अ लार्ज स्केल ग्रो करेंगे, वही चीज क्या कहलाई जाएगी, क्रॉप्स कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी? क्रॉप्स कहलाई जाएगी। तो यहाँ पर हमारी क्रॉप्स की पहले हम टाइप पढ़ेंगे, फिर हम उसका मैनेजमेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा हम? फिर उसका मैनेजमेंट पढ़ेंगे। और इसकी टाइप्स आप 8th क्लास के अंदर भी आए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन, हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन, अलग अलग तरह का क्लाइमेट कंडीशन है, अलग अलग तरह का मौसम है, अलग अलग तरह का टेम्परेचर होता है, होता ना अलग अलग तरह का टेम्परेचर, इसीलिए हम क्रॉप को कितने टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, 3 types के अंदर डिवाइड कर देते हैं। कितने की टाइप के अंदर डिवाइड करेंगे हमें? 3 types के अंदर। आपने पढ़ भी रखा होगा रबी करो क्रॉप्स, और एक क्या होगा खरीफ क्रॉप्स, क्या होगा खरीफ क्रॉप्स, और थर्ड नंबर पे क्या होती है, जायड क्रॉप्स होगी। कौन सी क्रॉप होगी? जायड। बट मेनली हम यहाँ पे 2 crop को बात करेंगे, तीसरी के बारे में हम जनरल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? जनरल, क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट एरिया के अंदर हम 2 crop ग्रो करवाते हैं, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। इसमें डिफरेंस आता है, इसमें क्या आता है, डिफरेंस आता है। आपको एक ही चीज याद रखनी है, रटना नहीं है। आपने 8th class के अंदर पढ़ के आया, और कभी कहीं ना कहीं हम उसके अंदर क्या करते हो, कन्फ्यूज, रबी का खरीफ में लिखाते हो, खरीफ का रबी में, तो आपको ये चीजें नहीं करना, आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। रबी क्रॉप्स के बारे में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, आपको इसके बारे में ये याद रखना है, रबी क्रॉप्स को हम क्या कहेंगे, विंटर क्रॉप्स भी कहेंगे, जो हम सर्दियों में ग्रो करवाएंगे, और इसे हम क्या कहते हैं, मानसून क्रॉप्स भी कहेंगे। क्या नाम देते हैं इसे हम? मानसून क्रॉप्स भी कहेंगे। आई मेन बात समझते, जो समर गर्मियों में करेंगे हम, कब करेंगे बेटा हम, समर के अंदर। क्लियर? अब देखो विंटर क्रॉप्स और सर, अब आएगा भाई हम इसे विंटर क्रॉप्स ग्रोइंग पीरियड हम बात करेंगे, कब कब ग्रो करेंगे हम इसे, और इसका भी हार्वेस्टिंग पीरियड करेंगे।
आपने दो ही डिफरेंस पढ़े होंगे ख्याल, अब देखना मैं आपको अलग अलग डिफरेंस, और रटना नहीं, आप ही मुझे बताते चले जाना। ग्रोइंग पीरियड, विंटर सीजन कब शुरू हो जाता है, अगर हम बात करेंगे विंटर सीजन कब शुरू हो जाता है, अक्टूबर टू अक्टूबर एंड नवंबर, तो कब बोई जाएगी बेटा, अक्टूबर और नवंबर में बोई जाएगी, ठीक है। और ये कब बोई जाएगी, मानसून पीरियड, आप पता है जून जुलाई में ही शुरू होता है, हमारे पास में मानसून पीरियड शुरू हो रहा है जून एंड जुलाई, तो ये कब बोई जाएगी बेटा, जून और जुलाई के अंदर बोई जाएगी तभी मॉनसून। बस आपको ये चीज याद रख लेनी है, रबी का नाम विंटर होगा और इसका नाम क्या होगा, मानसून होगा, क्या होगा, तो मानसून पीरियड के अंदर आएगी। तो अक्टूबर एंड नवंबर में सर्दी शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे आजकल हालांकि दिसंबर में शुरू हो रही है, बट पहले के टाइम से ये की गई है, तो पहले हमारे क्लाइमेट बहुत अच्छा था, हमने इतना पॉपुलेशन सॉरी पॉल्यूशन नहीं किया था, तो वहाँ पर हमारे पास में एक नॉर्मल रूटीन में सारी चीज़ें आती थी, बट आज हमने पूरी तरह से एनवायरनमेंट को डैमेज कर दिया है। तो अभी मैं जाना कि सर्दी तो दिसंबर में शुरू होगी नहीं, हम यहीं से अक्टूबर में हम पंखे वगैरह बंद कर चलाने बंद कर देते, तो यहीं पे सर्दी की शुरुआत है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी और जून जुलाई में काट ली जाएगी, सर जून और जुलाई में ये वाले क्रॉप बोई जाएगी। अब हार्वेस्टिंग ये हम कब कर लेते हैं, मोस्टली मार्च एंड अप्रैल में, छः महीने तक के हमारा मोस्टली होता है मार्च एंड अप्रैल के अंदर, और ये हम कब काट लेते हैं बेटा, ये हम कब काट लेंगे, सितंबर एंड अक्टूबर के अंदर काट लेते हैं, ये कब काट लेंगे हम, सितंबर एंड अक्टूबर के बीच में काट लेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मैं बात करेंगे मार्च एंड अप्रैल में, जून जुलाई के अंदर, मार्च और अप्रैल और जून जुलाई के बीच का टाइम पीरियड खाली है, अक्टूबर नवंबर सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर में हमने कट कर ली, ये हम क्या कर देंगे, ग्रो कर देंगे, कर देंगे ना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो जून और मार्च और अप्रैल में ये है, तो उसके बाद ये वाला पीरियड खाली है हमारे पास, ये वाला क्या है बेटा, मई जून का पीरियड क्या हो जाता है, अप्रैल मई जून का पीरियड खाली, तो वहीं पर हम कौन सी क्रॉप को ग्रो करवाएंगे, जायंट क्रॉप को। मोस्टली हम जो फार्मर्स होते हैं इन दो महीनों में हमारे खेत को खाली छोड़ देते हैं, लेकिन काफ़ी जगह जब पॉपुलेशन ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, या फिर वहाँ से डिमांड को पूरी करने के लिए अलग अलग जगह पे, तो वहाँ पे जायड क्रॉप्स को भी बोया जाता है, तो जायड क्रॉप्स को इस ड्यूरेशन पे बोया जाएगा, मतलब अप्रैल और मतलब मई जून के अंदर। अगर हम बात करें तो जून के स्टार्टिंग में कहीं जो भी बीच का गैप हो गया, यहाँ पे जो क्रॉप को ग्रो करेंगे वो हम क्या कहेंगे, जायड क्रॉप कहेंगे, क्या कहेंगे, जायड क्रॉप कहेंगे। तो आप याद रखना, हम इसको सर्दी कब शुरू हो रही है, अक्टूबर नवंबर में, और ये कब शुरू होती है, जून जुलाई में, मार्च अप्रैल में इसे हम कट कर लेंगे, इसे हम सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर के अंदर कट कर लेंगे। आपने यही पढ़ा होगा, एग्जाम्पल पढ़ा होगा। अब यहाँ पे आता है टेम्परेचर क्या रिक्वायरमेंट होगी, ह्यूमिडिटी की किसकी रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे क्या होता है वाटर रिक्वायरमेंट, और फिर हम क्या पढ़ेंगे एग्जाम्पल, क्योंकि पांच या छह डिफरेंस आ जाएगी। अब आप मुझे बताना टेम्परेचर के लिए कौन से मौसम में टेम्परेचर ज्यादा होगा, फटाफट बताओ भाई। गर्मी में तो ज्यादा हो रहा है, मानसून मतलब इसी टाइम पर गर्मी आ रही है, जून जुलाई पूरी गर्मी का मौसम होगा, और सर्दी में टेम्परेचर कम है, तो इन क्रॉप्स को टेम्परेचर कम चाहिएगा, इन क्रॉप्स को टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है। आगे मेरी बात सुनिए, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता नमी, आर्द्रता नमी। अब आप मुझे बताओ कौन से मौसम में नमी होगी, अब देखो गर्मी का मौसम है, लाइट चली जाती है, आपका पूरा शरीर चिपचिप करना शुरू हो जाता है ना चिपचिपा, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पर गर्मी के मौसम में ह्यूमिडिटी क्या होगी, यहाँ पर ज्यादा, तो इन क्रॉप्स को ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। और सर्दी में क्या आपको चिपचिपापन महसूस होता है, नहीं बल्कि ड्राइनेस महसूस होता है, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी कैसी होगी, लो, मतलब इनको कैसा मौसम चाहिएगा, ड्राई मौसम चाहिएगा। और वाटर बताओ, वाटर किसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट है, वाटर रिक्वायरमेंट आपने गर्मी के क्रॉप में से, हम सुगर केन को जनरली ग्रो कर लेते हैं, बाजरा को ग्रो कर लेते हैं, तो कभी आपने बाजरे के में देखा है कि आपने पाइप लगा के आप उसे इरीगेशन कर रहे हो, नहीं, क्योंकि बाजरे की जो क्रॉप है वो बारिश के मौसम पे डिपेंड करेगी, तो बारिश के मौसम में उसके लिए क्या होता है, बारिश का पानी उनके लिए क्या होगा, सफिशियंट है, हम एक्स्ट्रा वाटर की सप्लाई नहीं करनी पड़ती। बट आप सर्दी वाली क्रॉप में देखते हो, गेहूं में देखते हो, सरसों के अंदर देखते हो, आप जगह जगह इरीगेशन प्लान देखते हो ना, स्प्रिंकलर मेथड चल रहा होता है वहाँ पे, तो ये सारी की सारी जो सर्दी वाले मौसम में जो क्रॉप ग्रो होगी उसको वाटर की रिक्वायरमेंट, क्या सर्दी वाली ये क्रॉप हो गई उसको वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिएगी, और उसको वाटर की रिक्वायरमेंट कम, ये किसके ऊपर डिपेंड रह जाता है, रेन वाटर पर ही डिपेंड रह जाता है, किसके ऊपर डिपेंड रह जाएगा, रेन वाटर पर ही।
आगे मेरी बात सुन में तुमने क्या कहा भाई ग्रोइंग पीरियड अक्टूबर एंड टर्न है बस सर्दी अक्टूबर नवंबर में शुरू हुई 5 अप्रैल में इसको काट लिया भाई सर्दी के अंदर टेम्परेचर कम होता है ह्यूमिडिटी भी कम होती है और वाटर क्या होता है यहाँ पे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा और यहाँ पे क्या हो गया मॉनसून कब शुरू होता है जून एंड जुलाई में सेप्टेम्बर अक्टूबर में इसको कट कर लिया टेम्परेचर ज्यादा होगा ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है और पानी की रिक्वायरमेंट क्या होगी यहाँ पर कम होगी। अब अगर हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की बात करेंगे सर्दी के मौसम में हमारे नॉर्मली है जो भी दो वर्ड से शुरू होती है इसको याद करने का एक तरीका दो वर्ड से शुरू होती है गेहूं होती है व्हीट। अब हालांकि सरसों तीन वर्ड का आ जाता है ये भी कब आएगी बेटा मस्टर्ड ठीक है ये भी कब आती है हमारे पास में सर्दी के मौसम में ही आएगी कब आएगी सर्दी के मौसम के अंदर आती जो भी वेजिटेबल्स अगर आप बात करोगे कैबेज आती है आती है ना कैबेज अब सर्दी के मौसम में खाते हो ना कैरेट खाते हो ये सब कब आती है बेटा सर्दी के मौसम में हमारे क्रॉप्स की बात करेंगे अगर हम कोई वेजिटेबल्स की भी बात करेंगे ओके बेटा राइस आती है सॉरी राइस तो गर्मी में आएगा ओके अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे मानसून पीरियड के अंदर बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे बाजरा बाजरे को हम क्या कहते हैं मिलेट कहेंगे क्या कहेंगे हम मिलेट कहेंगे फिर अगर हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा ये क्या हो गया बेटा बाजरा हो गया फिर अगर हम बात करेंगे राइस हो गया चावल वगैरह हो गए ये सब किसके अंदर होंगे खरीफ के अंदर किसके अंदर होंगे बेटा खरीफ के अंदर होंगे तो आपको ये याद रख लेनी है ये रबी क्रॉप्स और ये क्या होगा खरीफ क्रॉप्स। अभी मैं इनको तुम्हें याद करने के लिए छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगी ठीक है तो आप नॉर्मली याद करते हैं व्हीट मस्टर्ड हमारे रबी क्रॉप्स के अंदर आ गई मिलेट और राइस किसके अंदर आ गया हमारी खरीफ क्रॉप्स के अंदर आ गई और जायड क्रॉप कब हो जाएगी अप्रैल मई जून तो जल्दी से ग्रो हो जाएगी जल्दी से ही क्या हो जाएंगे फ्रूट्स वगैरह आ जाएंगे तो जो भी बेल होती है मोस्टली आप वाटरमेलन खाते हो वाटरमेलन तरबूज है खरबूज होता है मस्क मेलन होता है कुकुम्बर होते हैं खीरा वगैरह होते हैं मोस्टली हालांकि सारे मौसम में मिल जाते हैं ठीक है गॉर्ड होती है बिटल गॉर्ड जिसे हम तोरी वगैरह कहेंगे ये सारे या बिटल गॉर्ड का क्या होता है करेला इसी मौसम में आते हैं ना बेटा तो ये कौन से के अंदर हो जाएंगी जायड क्रॉप्स के अंदर हो जाएंगी किसके अंदर हो जाएंगी जायड क्रॉप। तो आपको मैंने डिफरेंस बताया रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप में रबी हमने क्या कहा विंटर उसे हमने क्या कहा मानसून ये अक्टूबर एंड नवंबर में बोई जाएगी इसमें काट ली जाएगी ये अब काट सॉरी ये अब काटी जाएगी तब तो सेप्टेम्बर अक्टूबर में काटी जाएगी टेम्परेचर कम चाहिएगा ह्यूमिडिटी कम चाहिएगी वाटर भी यहाँ पे ज्यादा चाहिएगा और ये हमने क्या बताया इसके एग्जाम्पल्स बताए क्या बताए बेटा इसके एग्जाम्पल्स बताए। अब अगर आपको याद करने का रबी एंड खरीफ क्रॉप क्योंकि ऐसी चीज है बेटा जनरल साइंस की जो आपके हायर क्लासेस तक कल को कोई बच्चा है एसएससी की तैयारी करता है किसी चीज की तैयारी करता है तो वहां से तुमसे पूछेंगे और अब हंसना नहीं कि मैडम ने ये क्या बता दिया है आपको जो मैं बता रही हूँ आपको सुन के उस पर हंसी भी आ जाएगी ओके बेटा रबी क्रॉप में अगर मैं बात करूं अगर रबी क्रॉप्स के बारे में मैं बात करूं रबी क्रॉप्स के बारे में एक मिनट रुकना बेटा इसमें याद रखना बेटा आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी अगर लो हो जाए तो मस्टर्ड का जूस पिए तो मस्टर्ड का जूस पिए ठीक है ये करने के लिए खाली आरबीसी मतलब ब्लड सेल्स कम हो गई यहां आर तो रबी से याद रख लेना बी से क्या होता है बारले जो क्या क्या हो जाएगा बेटा बारले डब्ल्यू से क्या हो जाएगा व्हीट क्या हो जाएगा वीट वीट का मतलब क्या हो गया है गेहूं हो गया है क्या हो गया बेटा गेहूं ऐसे क्या होता है लिंसिड मसूर की दाल हो गई है क्या हो गया बेटा लिंसिड हो गई है और एम से क्या हो गया है मस्टर्ड आ गया क्या आ गया बेटा मस्टर्ड आ गया ठीक है थोड़ा सा ये चीजें याद रख लेना और ऐसे क्या होती है अरहर की दाल क्या होगी अरहर की दाल तो ये सारी किसके अंदर आ जाती है बेटा रबी क्रॉप्स के अंदर आ जाती है एंड फॉर खरीफ क्रॉप्स इसके लिए बेटा खरीफ क्रॉप्स CMSG बाई राम रहीम
एक फिल्म आई थी ना मैसेंजर ऑफ गॉड, राम रहीम ने बनाई थी, तो CMSD बाई राम रहीम। सी से क्या हो जाता है? कॉटन। सी से क्या हो जाएगा? कॉटन। या एम से क्या हो जाएगा? मेज, मक्का कहेंगे हम, ठीक है? क्या हो जाएगा? मेज। या आप इसमें मेज लिख रहे हो, यहाँ पे आप मिलेट कुछ भी लिख लेना, बाजरा भी यही मौसम में होता है। ऐसे अगर हम बात करेंगे तो सौरगम जवार, क्या होता है? सौरगम। जी से अगर हम बात करेंगे तो ग्राउंड नट, मूंगफली भी इसी के अंदर बोई जाती है। आर से अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइस हो जाएगा, ठीक है? तो आपको चीजें याद रखनी है, इसमें कुछ भी नहीं है, आप मेन याद रखना CMSD बाई राम रहीम। तो सी से क्या होगा? कॉटन। एम से मेज, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं के बारे में बात करें। ऐसे सौरगम जवार हो जाएगा, जी से हमने क्या कहा? ग्राउंडनट। आर से हमने क्या कहा? राइस। और एम से हमने क्या कहा? मिलेट का। अब अगर हम बात करेंगे जायड क्रॉप्स के लिए, इसके लिए बात करेंगे हम जायड क्रॉप्स के लिए, तो इसका भी बड़ा अच्छा है। रॉड पर वाटर भर जाने के कारण, रॉड पर वाटर भर जाने के कारण CM का BP हाई हो गया। कुछ भी लगा लेना। रॉड पर वाटर भर जाने के कारण CM का BP हाई हो गया। R से क्या होती है? रिज गोड। रिज गोड, GOURD, रिज गोड। और का मतलब समझते हो ना, जो गेयर बेले आती है, रिज गोड का मतलब क्या होता है? जैसे कि जो तोरी बोलते हो, तोरी में ऐसे रिंग कैसे बने होते हैं? रिस, तो इसे रिस कहेंगे। रिस गॉड मतलब क्या हो गया? तोरी। पी से क्या हो गया? पंपकिन, कद्दू हो गया, इसी मौसम में आएगा ना। डब्ल्यू से क्या हो गया? वाटरमेलन हो गया। डब्ल्यू से क्या हो गया बेटा? वाटरमेलन हो गया। ओके बेटा, बी से क्या हो जाएगा? बीटल गॉड हो जाएगा। बीटल गॉड, बीटल गॉड का मतलब क्या होता है? करेला। क्या हो गया बेटा? करेला होगा। ओके, सी से क्या हो जाएगा? कुकुम्बर। क्या हो जाएगा? कुकुम्बर। और एम से क्या हो जाएगा? मस्क मेलन। क्या हो जाएगा? मस्क मेलन। तो आप ये याद रखना है, इसमें नहीं कि सबके मतलब आ जाएंगे, तो आपको थोड़ा बहुत कि एकदम से याद ना आए तो आप दो चीजें तीन चीजें याद रखना। RBC एंड WBC, बार्ले हो गया, वीट हो गया, अरहर हो गया, लिनसीड हो गया, मस्टर्ड हो गया, कि रबी क्रॉप के अंदर आ जाएंगी, ठीक है? कॉटन हो गया, मेज हो गया, ग्राउंडनट हो गया, मिलेट हो गया, राइस हो गया, ये खरीफ क्रॉप्स के अंदर आ जाएंगी। जायड के अंदर हमने जितने भी गिया तोरी की बेलें आती है, मस्क मेलन है, वाटर मेलन है, पंपकिन आते हैं, सब किसके अंदर हो जाएंगे? जायड क्रॉप्स के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ओनली एंड ओनली क्रॉप्स क्या होती है, मैंने सेम टाइप ऑफ द प्लांट्स ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, उसे हम क्या नाम देंगे? क्रॉप्स। तो हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग वेदर कंडीशन होने के कारण हम उन्हें अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे, तो मेन हम दो होंगे, रबी और खरीफ। बट एक और भी हमने बताई, जायड क्रॉप जो बीच का ड्यूरेशन है, क्योंकि जायड क्रॉप्स को हर कोई ग्रो नहीं करवा रहा। आप लोकल देख लेना, हमारे यहाँ पे जायड क्रॉप हम रेयरली नहीं ग्रो करवाते हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सॉइल फर्टिलाइज है, वहाँ बेसिक से करवा देते हैं। बट हमारी सॉइल को दो या तीन महीने के लिए रेस्ट कंडीशन में डाल देते हैं, ताकि वो अपनी फर्टिलाइजेशन को मेंटेन कर सके, फर्टिलिटी को मेंटेन कर सके। तो रबी और खरीफ रटना नहीं है बेटा, रबी हमने सर्दी की क्रॉप्स को कहा, मानसून हमने गर्मी की क्रॉप्स को कहा। आपको सबको पता है सर्दी के अंदर मौसम कैसा होता है, गर्मी के अंदर मौसम कैसा होगा, और इसके एग्जांपल याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी है, और ये इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर टूडे, फॉर टुमारो ऑल्सो। ओके बेटा, तो नेक्स्ट हमारा सेशन रहेगा इसके बारे में, वो क्या रहेगा कि हमें क्रॉप, ये तो आपने पढ़ा भी हुआ है, कि हम क्रॉप को किस तरह से इम्प्रूव करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम वैरायटी इम्प्रूव करेंगे, उसकी एक अच्छी से अच्छी वैरायटी बनाएंगे। वैरायटी जब हम उसकी बना लेंगे तो उसका हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। प्रोडक्शन मतलब किस तरह से भी, क्या क्या मैन्योर यूज करें, फर्टिलाइजर्स यूज करें, इरीगेशन मेथड्स ही आएंगे उसके अंदर। ओके बेटा, आप पढ़ चुके हो उसे, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हमने अब हमारी वैरायटी भी बना ली है, प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर लिया, अब हम उसे बचाना है कि भाई वीड ना लग जाए, कोई इंसेक्ट्स ना लग जाए, पेस्ट ना लग जाए, तो हम हमारी वीड्स को क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करने का काम भी हम करेंगे। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक के बारे में इसमें पढ़ेंगे, और आपने पढ़ा हुआ है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, ओके।